राजधानी दिल्ली की बात कर लेते हैं। बड़ी खबर यहां से मिल रही है, दिल्ली से, जहां ठंड थोड़ा यहां बढ़ गई है, साथ ही हवा और जहरीली हो गई है। तो दिल्ली में कई इलाके ऐसे हैं जहां अब AQI 400 के पार चला गया है। आनंद विहार की बात करें तो AQI 473 है, अशोक विहार में 471 AQI दर्ज किया गया है। अलीपुर, बवाना और चांदनी चौक में भी एयर क्वालिटी बेहद खराब हो गई है। दिल्ली पूरी तरह से गैस चेंबर में तब्दील हो चुकी है। आज दिन भर तो राहत के कोई आसार दिख नहीं रहे हैं, लेकिन शाम के बाद हल्की हवा चल सकती है, जिससे एयर क्वालिटी में मामूली सुधार की उम्मीद की जा सकती है। ये तभी होगा जब तेज हवा चलेगी। इस बीच एयर क्वालिटी इंडेक्स के 400 पार करने के बाद दिल्ली में GRAP 3 की तैयारी शुरू हो चुकी है। GRAP 3 अगर लगा तो दिल्ली NCR में कंस्ट्रक्शन के काम पर रोक लगा दी जाएगी। साथ ही प्राइमरी तक के बच्चों के जो स्कूल हैं वो बंद कर दिए जाएंगे, उनको स्कूल आने पर रोक होगी, उन्हें घर से ही क्लास करनी होगी। इसके साथ ही दिल्ली में ऑड इवन फॉर्मूला भी लगाया जा सकता है। तो राजधानी दिल्ली गैस चेंबर में तब्दील हो चुकी है। कई ऐसे इलाके हैं जहां AQI 450 को भी पार कर चुका है। NCR का इलाका इस समय पूरी तरीके से गैस चैम्बर में तब्दील हो चुका है। कल भी पूरे दिन दिल्ली में धुंध रही और सुबह भी आज यही तस्वीरें इस समय अक्षरधाम में मौजूद हैं। विजिबिलिटी बहुत कम है, अक्षरधाम मंदिर की दीवारें ही आज भी दिख पा रही हैं। मंदिर पूरी तरीके से इस समय स्मॉग की चादर से ढक चुका है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में हवा कम चल रही है, ठंड बढ़ रही है, इस कारण कोहरा भी है और प्रदूषण भी है। कोहरा और प्रदूषण मिलकर स्मॉग की एक लेयर बन चुकी है। इस मोटी स्मॉग की लेयर से इस समय दिल्ली में कुछ भी देख पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। विजिबिलिटी कम हो रही है, जिसका सीधा सीधा असर यातायात पे पड़ रहा है, फ्लाइट्स पे पड़ रहा है, ट्रेन्स पे पड़ रहा है। कल कई फ्लाइट कैंसिल हुई। दिल्ली में आज ओवरऑल AQI 432 है, यानी 400 का आंकड़ा कई इलाकों में पार कर चुका है। ऐसे में GRAP 3 कभी भी लागू हो सकता है, दिल्ली में पाबंदियां बढ़ सकती हैं। कैमरा पर्सन जगदीश के साथ अनामिका गौर, इंडिया TV।